टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से आज मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट का दिन था। वेस्ट इंडीज ने जो किया 27 साल के बाद वो किसी से कम नहीं था, उसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। और फिर जो इंग्लैंड ने किया, जैसे कि बेन स्टोक ने कहा कि ये मेरी कैप्टनसी का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट विन है, और बिल्कुल है, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं ग्रंडी के साथ कह सकता हूं कि कल तक किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इंग्लैंड आज के दिन में वाला मैच जीत जाएगा, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया। तो इंग्लैंड ने साबित किया कि इंग्लैंड जो है वो बड़ी अलग टाइप की क्रिकेट खेलता है, और बेसबॉल सच्ची में एक कामयाब चीज है, ये उन्होंने आज प्रूफ करके दिखा दी है। वेस्ट इंडीज की तारीफ करें तो भाई जोसेफ क्या बंदा है, मतलब के सुबह तक उसको पता नहीं था कि मैं मैच खेलूंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो गया और उसने कहा कि मैं आखिरी विकेट तक बॉल करता रहूंगा। जो बंदा कल हॉस्पिटल में था, आज उसने बॉलिंग की, और क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की, और अपनी टीम को बड़ा मुकाबला जितवा के दिया 27 साल के बाद। वो लड़का जो 3 साल पहले, जिसने क्रिकेट शुरू भी नहीं की थी, 3 साल पहले उसने क्रिकेट शुरू की टेप बॉल के साथ, उसके बाद उसने पिछले साल हार्ड बॉल शुरू की, और अब डेब्यूटेंट था, और वहां से उसने क्या स्टार्ट किया। आप देखिए वेस्ट इंडीज की टीम का जज्बा, वेस्ट इंडीज की टीम के अब्दुल्ला भाई यार आप एक दफा एक स्टैट्स देख लो कि आपको पता चल जाए किस लड़के ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। आधी टीम ने तो उनके 10 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले यार। देखे उनकी नियत थी जीतने की, सबसे बड़ी बात है। हमारी तो नियत ही नहीं ना। आप देखे जोसेफ को देखे, यहाँ वो इंजर्ड हुआ हुआ है, उसको ये नहीं पता कि मैंने खेलना कि नहीं खेलना, और वो फिर भी आके खेला है। ठीक है, पता क्या है, हमारी जो टीम है ना, हम पाकिस्तानी स्पेशली, हमने ना अपने प्लेयर्स को सर पे बड़ा चढ़ाया हुआ, हमने लेजेंड बना दिया उनको। हारिस रऊफ को देखे ना आप, वो सीरीज खेलने से ही मना कर गया है कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जाता तो फायदा उसी का। एक बंदा टूटे पांव के साथ खेला, उसका करियर पूरा पड़ा है। हाँ देखे, मैं समझता हूँ कि ये जो लीग क्रिकेट है ना, ये तो कुछ भी कचरा है। मैं इसको, बिलीव मी, मैं इसको कचरा समझता हूँ। जो रियल क्रिकेट है ना भाई, वो वनडे है और वो टेस्ट क्रिकेट है। जो टेस्ट क्रिकेट, जो आज के दिन जो टेस्ट क्रिकेट देख छोड़ी है ना हमने, हीरो हुई यार। एक तो इंडिया तो चले मैच हारा ही है, और लेकिन जहां तक बात की जाए वेस्ट इंडीज की, तो उन्होंने तो हैरान कर दिया, यकीन माने इमोशनली उन्होंने बड़ा हैरान किया है। ब्रायन लारा कमेंट्री बॉक्स में थे, वो बड़े इमोशनल हो गए, रो रहे थे वो भी। और वाकई बात यार, एक देखे किस तरह की टीम है, कोई इतना कोई बड़ा प्लेयर उस वेस्ट इंडीज की टीम में मुझे नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हौसला है ना, हौसला है और नियत थी हमारी, ना नियत है ना हमारा हौसला है। उस टीम में एक एका था, वो टीम जल हुई हुई थी पूरी। ठीक है, हमारी टीम को देख ले, बिखरी हुई है, कोई किसी के पीछे लगा हुआ है, कोई किसी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन क्या खेला है वेस्ट इंडीज यार। वही तो बात है कि आप देखें कि उनकी बॉलिंग में सारे नए लड़के हैं, यहाँ पे आपके नए लड़के थे, हम भी मानते हैं, लेकिन आपका शाहीन भी तो था ना, बाकी लड़कों ने क्या कर लिया। और सबसे बड़ी चीज, फील्डिंग आपकी बड़ी घटिया रही है, यही फील्डिंग अच्छी की होती तो हम कुछ करके बैठे होते, अदरवाइज मैं तो समझता हूँ कि एटलीस्ट हमें एक टेस्ट मैच जरूर जीतना चाहिए था, एक जरूर जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, वो भी ऐसी इस तरह की टीम वेस्ट इंडीज, जो वर्ल्ड कप से बाहर हुई पड़ी है, जो वर्ल्ड कप बेचारी खेलती खेली नहीं इस दफा, तो ये मैं कहता हूँ कि मजा आ गया, जिसे कहते ना सही, वाकई मजा आ गया। ये वो बोली टेस्ट क्रिकेट हुई है, और बोरियत तो जरा नहीं हुई। देखें 8 रन से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, स्मिथ 90 प्लस करके खड़ा हुआ है यार, और फिर आ रहे हैं। बिल्कुल ये हाल है कि एक इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर है, वो कहां पे खड़ा है। ये देखो, उधर तो स्मिथ खड़ा हुआ था, वो हार गए, इधर तो स्मिथ खड़ा भी नहीं हुआ था इंडिया वाले मैच में, वो सिराज और बुमराह ही मैच को आगे ले गए, वो ऐसा लग रहा था कि दोनों की मैच ही ना जितवा दे, और वो 28 रन से वो भी हार के, बड़ा क्लोज वो वाला मैच भी किया यार। मैं समझता हूँ जो जडेजा का रन आउट था ना, जो बेन स्टोक ने किया, वहां से गेम सारी चेंज होगी, वो जडेजा बड़ा खड़ा हुआ था। इंडिया ने तो आज हार के ना शोक, बिल्कुल शोक दे दिया, यकीन करो हम तो बल्कि 80-90% प्रेडिक्ट करके बैठे हुए थे इंडिया को। और वाकई मैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारी गलती एक हमने ये कर दी कि पहली इनिंग को देख के ना हमने इंग्लैंड को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। इंग्लैंड को देखें आप, वो दूसरी इनिंग बैटिंग में भी उनकी दूसरी इनिंग बहुत अच्छी रही, और बॉलिंग में भी उनकी दूसरी इनिंग बहुत अच्छी रही। उन्होंने किस तरह से इंडिया को क्लीन बोल्ड किया, आप ये भी देखें, और दूसरी इनिंग में जिस तरह उन्होंने 400 प्लस मारा है, वो भी बड़ा एक काबिले तारीफ है। चीज है कि जब फर्स्ट इनिंग चल रही थी ना, इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था, तो टॉम हार्टली को ना आते साथ बड़ी मार पड़ी, तो उसके जो थी ना मैच के बाद वाला जो वीडियो, उसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि आप देखिएगा, मैंने इस बॉलर को देखा है, मैंने लाइफ में बोला था ये कि ये जो बॉलर है ना, शायद ये वाला मैच नहीं लेकिन इस सीरीज के अंदर ये बॉलर इंग्लैंड की तरफ से सबसे अच्छा बॉलर साबित होगा, टॉम हार्टली का मैंने कहा था, और वो इस मैच के अंदर ही साबित हो गया, क्योंकि
उसके बाद मैंने उस दिन भी देखा था उसके पास जिसको कहते हैं उसकी लाइन और लेंथ भी काफी अच्छी थी और उसको स्पिन भी बड़ा अच्छा मिल रहा था, थोड़ा सा उसने काम किया अपना। और सबसे मजे की चीज है ये इंग्लैंड के किस सिस्टम से आया, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आया है। ये इंग्लैंड का वो बॉलर था इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो इसका जो एक्शन था ना वो इस तरह का था कि अक्षर पटेल के थ्रू मिलता था और उनकी मशीनों ने ये एनालाइज किया कि अगर हम इसको इंडिया भेजेंगे तो ये ज्यादा कारामद साबित होगा। ये कंप्यूटर का फैसला था कि इस बॉलर को सिलेक्ट करना है। तो फिर ब्रेंडन मैकेलम और बेन स्टोक्स आप देख लें जो इनका ये बेसबॉल बना हुआ है, इन्होंने क्या सोच के साथ जा रहे हैं कि कौन सा बॉलर वापस आ रहा है। आप ये भी देख रहे हैं इंग्लैंड की जो क्रिकेट है ना वो हमसे बहुत आगे है, बल्कि वो इंडिया से भी आगे है। आप देखें पहली इनिंग बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इंग्लैंड जो था ना वो फ्लॉप रहा है, लेकिन इस किस्म का कमबैक उन्होंने मारा, मजा आ गया है। और हम ये बातें कर रहे थे बड़ी जरूरी कि इंडिया जिस तरीके की पिचेस बनाता है ना वो स्पिनर्स के वाले से ऑलरेडी खतरनाक होती हैं, लेकिन जब वो इस तरह की पिचेस जो टर्न इतनी टर्निंग होती है पिचेस, जब इस तरह की पिचेस तीस चौथे पांचवें दिन में जाती है ना वो और खतरनाक होती है। तो इंडिया की आखिरी इनिंग थी और इंडिया को जो है ना लग पता गया भी खेला। मेरा ख्याल है ना इतना पिच का भी इफेक्ट नहीं है, इंडिया मेंटली तौर पे बहुत डरा यार। एक तो ना इंडिया मेरा ख्याल कोहली भी नहीं है, पहली इनिंग में तो आप जरा थोड़ा बहुत ना रिलैक्स होते हो कि यार अभी हमने एक और इनिंग खेलनी है अब, लेकिन ये था कि आपने चेज करना है। फिर 230 मैंने कल भी एक बात की थी कि जब 230 प्लस लग गया ना अगर तो फिर 60% जो है ना वो इंडिया फेवरेट होगा। 80 मैंने पहले 90% किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा अगर 230 होगा तो 60% इंडिया फेवरेट होगा, लेकिन वो तो इंग्लैंड इंडिया तो सबसे बड़ा इंडिया का मसला ये चल रहा है कि वन डाउन की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। यहाँ पे आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जैसे ओली पॉप ने 196 मारा यार। शुभमन गिल तो इंतहाई 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 मायूस कर रहा है। मैं इतना यानी के मुझे था कि यार प्लेयर अच्छा है, लेकिन शुभमन गिल तो पता नहीं क्यों इस तरह परफॉर्मेंस हो ही नहीं दी नहीं जा रही। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, देखिए कोहली है, अगर कोहली अब देखे ना जितना रन से इंडिया हारा है, अगर कोहली होता तो इतने रन से तो इंडिया ऑब्वियसली मैच जीता हुआ था, सीधा बात जीता हुआ था और नजर आ रहा था कल तक इंडिया मैच जीता हुआ ही था। लेकिन आज ऐसा जबरदस्त कमबैक इंग्लैंड ने मारा है यार कि मैं कहता हूँ मजा आया, बिल्कुल ऐसा वैसा मजा आया, दिल खुश कर। लेकिन यार देखे 4 रन से डबल सेंचुरी रह गई बंदे की, वही दो वो देखिए 4 रन वो अपनी गलती से आउट हुआ ओली पॉप। अगर आप देखो वो तुझे बुमराह जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर बॉलिंग कर रहा और तुम जिसको कहते हैं उसको पीछे की तरफ खेल रहे हो, सीधा खेलो गलत शॉट था, वो खुद खेल रहा था ओली पॉप, बट उसके पास कोई और सोल्यूशन भी तो नहीं था ना, उसको डबल सेंचुरी का ही मौका मिला और अपना जिसको कहते हैं ना कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे अफसोस हुआ, लेकिन मेरा पर्सनली तौर पे ना आज ज्यादा दिल जो खुश हुआ ना वो वेस्टइंडीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पेशली जिस तरह की उनकी सेलिब्रेशन थी यार वो बिल्कुल बहुत इमोशनल सेलिब्रेशन थी और बहुत इमोशनल होके वो मैच उन्होंने जीता है। और वो 8 रन से यार, 8 रन से यानी कि बहुत बड़ा टेस्ट मैच हो गया, सही चस्कर आ गया ये मैच, बहुत बड़ा टेस्ट मैच हो गया, बड़े अरसे पास कोई टेस्ट मैच देखा है और ऑस्ट्रेलिया में रहा है। और आप ये देखेंगे इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट टेबल है इसमें बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जो ऑस्ट्रेलिया है उनको भी फाइनली अपने घर के अंदर एक हार मिली, उसके अलावा अब इंडिया जो है वो भी नंबर 5 पे चला गया, तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल है ना ये खुल गया है। इसमें अब इंग्लैंड भी ऊपर आ सकता है, इसके अंदर बाकी कोई भी टीम ऊपर आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में एक मैच हारना लाजमी था और वो शुक्र है वो हार गई, क्योंकि 3 तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जीत गए, एक वेस्टइंडीज से भी जीत गए, सीरीज है वेस्टइंडीज की अब खत्म होगी ना, एक ही मैच ट्रॉफी शेयर होगी ना, मतलब कि ट्रॉफी शेयर भी नहीं हुई, ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर ली है, ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया। हालांकि देखा जाए तो जो विजिटिंग साइड होती है उसको देनी चाहिए ट्रॉफी जब सीरीज लेवल हो और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन क्योंकि ये पिछली सीरीज भी जीते हुए तो ट्रॉफी रिटेन होगी, तो ये वाला चक्कर बड़ा अजीबो गरीब सा होता है। बट देखिए टेस्ट क्रिकेट अभी हमने एशेज बड़े कमाल के देखे, उसके बाद अब हम ये वाली सीरीज बड़ी कमाल की देख रहे हैं और अभी ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की भी सीरीज बड़ी कमाल और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो कबाड़ थी, बिल्कुल मजा नहीं आया, यकीन करें। पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसी भीगी बिल्ली बना होता है ना ऑस्ट्रेलिया के आगे, यार आप एटलीस्ट फाइट तो करो। मेरी नजर में हम जो आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस थे ना वो हम जीत सकते थे, वो हमने जान पूछ के यानी कि अपनी गलतियों से हम वो हारे हैं, वो हम मैच जीत जीते हुए थे हम वो, लेकिन मुझे नहीं समझ आती हम वो किस तरह इतना बड़ा मौका हम हर बार गवा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो है ना हम जाके हार जाते हैं। हाँ यहाँ पे तो ये हो रहा था, चलो जो है शान मसूद ने पहली कैप्टनसी इसलिए सब कुछ कहने जा रहा, भाई ये होती है वेस्टइंडीज को देखें यार जीतना होता है, ये पहली कैप्टनसी मैटर नहीं करती होती, परफॉर्मेंस करके दिखाओ तभी कुछ होगा। सही बात है आपकी, लीग क्रिकेट इतनी
मानी मायने रखती थी भाई। ये पता क्या, हमारे प्लेयर्स ने लीग क्रिकेट बहुत सर पे चढ़ाई हुई। यकीन करो यार अब्दुल्ला भाई, टेस्ट में आपने परफॉर्मेंस दिखाई ना, सालों साल याद रहेगी। अब हारिस रो को किसने याद करना है, इसने लीग के अंदर मेलबर्न स्टार से इतनी विकेट लीग में हैट्रिक किया। यकीन करें आप, बिलीव करें, मैं तो ये लीग देखता भी नहीं हूँ इनकी। ये हारिस रॉफ वगैरह जब खेलते हैं, इवन कि मैं वो ILT जो चल रही है मैं वो भी नहीं देखता। मैं ये लीग्स देखता ही नहीं हूँ। मैं मोस्टली जो है ना, मोस्टली मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट पसंद है, टेस्ट क्रिकेट बहुत मुझे अच्छी लगती है, बाकी T20 और वनडे भी। यानी कि लीग्स क्रिकेट मेरे लिए इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, और ना यकीन करें मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है कि लीग क्रिकेट में कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अंडर 19 में आप देखें पाकिस्तानी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है आजकल। उबैद शाह बड़ा अच्छा बॉलर मिल रहा है भाई इनको, ये तीनों भाई बड़े जबरदस्त हैं, और किस तरह जबरदस्त तरीके से इनस्विंग मार रहा है यार वो लड़का, मैं कहता हूँ मजा आ गया। और बैटिंग में भी पाकिस्तान बड़ा अच्छा जा रहा है, अंडर 19 में 0 विकेट पे चेस कर रहा है, तो ये एक अच्छी साइन मिल रहा है देखने को। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है ना और PCB, ये हमारे प्लेयर्स का ना बड़ा गर्क कर देता है। ये जब प्लेयर बन के आता है तो उसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाता है ऊपर नीचे, फिर वो बेचारा सेट नहीं हो पाता, फिर वो खराब ही कर देते हैं प्लेयर, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं, लेकिन आज जो वेस्ट इंडीज जो जीता ना यार, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत मजा आया मुझे। हालांकि लग नहीं रहा था, जब कल वाला दिन था ना, आज लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह हार जाएगा। मतलब यार टारगेट तो थोड़ा सा ही है, दो विकेट गिरे मेरा ख्याल। और सबसे मजे की चीज है इनकी प्रॉपर टीम खेल रही थी, मिचेल मार्क, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैडी, सब कुछ होता रहेगा। अब देखते हैं कि अगले मैच में जो 2 फरवरी को शुरू होगा उसके अंदर किस तरीके का इंडिया कम बैक मारेगा स्ट्रेस मैच के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।